आखिर इतनी हिम्मत पुलिस की क्यों नहीं पड़ी? क्या उनके शासन में पुलिस अपने आप को इतना ज़्यादा डरपोक बन गई है, इतनी ज़्यादा खौफ में है कि वो जेडी सांसद के घर के अंदर जब वो बैठा और उनको सूचना है तो अंदर जाके गिरफ्तार नहीं करेंगे? जब कोई सवाल पूछना शुरू करेगा तो ऐसी चीज़ें ला दो, माइंड को डाइवर्ट करो, विपक्ष के सवालों को डाइवर्ट करो, आम जनता के सवालों को डाइवर्ट करो, ताकि लोग मुद्दे की बात करें नहीं। बिहार में मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात पर आइए, अगर आप मुख्यमंत्री हैं मुद्दे की बात पर आइए। मुद्दे की बात आज बिहार में ज़रूरत क्या है? बिहार में सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्राइम को कंट्रोल करने की, वो बात आप कर नहीं रहे। जगदानंद सिंह की इस्तीफे के अफवाह के बाद अब सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जगदानंद सिंह हो या रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद में दोनों को सम्मान नहीं मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की नेत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं इस बयान को, जिस तरह से जगदानंद सिंह की जो इस्तीफे की अफवाह उड़ी उसके बाद अब सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल खड़े होने शुरू हो गए। देखिए, वो लोगों की आदत ही रही है कि हर चीज़ को वो जाति पे लेके चले जाते हैं। पता नहीं उनके किस चीज़ में, मतलब वो डीएनए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादा मैं कह रही हूँ डीएनए उनकी जात, उनके खुद के उसमें, मतलब डीएनए में आ चुका है जात। तो जिस वजह से उन्होंने अपने जो दो नाम लिए हैं वो दोनों सिंह ही का नाम लिए हैं अपने। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको पूरी इज्जत यहाँ पे मिलती है और वो इस राजद परिवार के गार्जियन हम लोग मानते हैं उनको, और उन बहुत इज्जत उनको दी जाती है और वो खुद भी बहुत अनुशासित हैं और सबों के प्रति वो भी एक बराबर लेकर के चलते हैं, एक सम्मान लेकर चलते हैं। और काफ़ी कुछ उन्होंने इस पार्टी के लिए किया है, तो निश्चित तौर पर कोई बहुत अच्छा अगर कोई कर रहा है, कंटिन्यूसली कोई बहुत अच्छा कर रहा है, तो कहीं से कोई उनको कोई बेइज्जती क्यों मिले? पार्टी के तमाम लोग, सभी लोग, चाहे वो बड़े नेता हों या छोटे, सब लोगों के लिए, सब लोग जो सम्मान करते हैं उन उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये एक अफवाह मात्र है, मान लीजिए। जेडीयू सांसद के घर के बाहर से कुख्यात अपराधी की अरेस्टिंग होती है, सांसद से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे घर में अगर कोई भी आता है तो भगवान है। आखिर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं, तो ये क्या? उसमें बता दूं कि उनका उनका जो इन्होंने कहा कि हम किसी को फंसाते नहीं हैं और किसी को बचाते नहीं हैं, उनके उलट वो काम करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो बहुत अच्छी तरीके से फंसाना भी जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बचाना भी जानते हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से बदला लेना भी जानते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो हम बदला निकालेंगे, और वो निकाल भी लेते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। आखिर इतनी हिम्मत पुलिस की क्यों नहीं पड़ी? क्या उनके शासन में पुलिस अपने आप को इतना ज़्यादा डरपोक बन गई है, इतनी ज़्यादा खौफ में है कि वो जेडी सांसद के घर के अंदर जब वो बैठा है और उनको सूचना है तो अंदर जाके गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो बाहर आने का इंतज़ार करेंगे? ये कितने शर्म की बात है कि यहाँ पे एक आम इंसान तो खौफ ज़्यादा है ही क्राइम को लेकर के, यहाँ के जो पुलिस है वो भी खौफ में है कि भाई जो भी वो बाहर आएगा तब हम गिरफ्तार करेंगे, अंदर हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं आप जा सकते किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए? जब आपको पक्का, आपको मिला है, सूचना मिली है कि नहीं वो अंदर में है, तो आपको जाके पकड़ना चाहिए था। तो कितना डरा रखे हैं भाई, एक आम जनता को डरा रखे हैं क्राइम से, पुलिस को डरा रखे, पुलिस डरे हुए कि हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे तो उन बचाने का काम ही कर रहे हैं ना, और ऊपर से आप सांसद जी का बयान सोच लीजिए कि हमारे घर आया हुआ व्यक्ति जो है वो भगवान का रूप होता है, मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है। तो भगवान का रूप तो जो भगवान के लायक जिस होगा उसी को होगा ना, आप किसी भी क्रिमिनल को भी आप भगवान मान लेंगे। तो जैसे उनके बाकी के लोग हैं पार्टी के जीते हुए, वैसे अपने, जैसे कहते हैं ना कि कदमों नक्शे कदम पे चलने वाली स्थिति है उनकी पार्टी की। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अब राजद और कांग्रेस में टूट होने वाली है। हम कह दें भाजपा और जेडीयू में टूट होने वाली है, कहीं और टूट होने वाली है, तो ये सब क्या है ना कि जो ये आम जनता जो है, जो भुगत रही है आज एक एक महंगाई का जो मार झेल रही है, क्राइम का मार जो झेल रही है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं रेप के, मर्डर के, इन सब चीज़ों पे एक आम जनता का ध्यान को किस तरह से वहाँ से हटाया जाए कि उन पर सवाल ना पूछे जाएं, जिससे कि जो बिहार की जनता सफ़र कर रही है, महंगाई को लेकर के हो, क्राइम को लेकर के हो, मर्डर आते हैं उसके अंदर, रेप आते हैं, इस तरह तमाम तरह की घटनाएं जो आजकल घट रही हैं, ये सिर्फ वो जो बयानबाजी बीच बीच में देते हैं ना, मुझे लगता है ना कि उन्होंने एक ढाल टाइप का बना लिया है कि जब कोई सवाल पूछना शुरू करेगा तो ऐसी चीज़ें
ला दो, माइंड को डाइवर्ट करो, विपक्ष के सवालों को डाइवर्ट करो, आम जनता के सवालों को डाइवर्ट करो, ताकि लोग मुद्दे की बात करें नहीं। बिहार में मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात पर आइए, अगर आप मुख्यमंत्री हैं मुद्दे की बात पर आइए। मुद्दे की बात आज बिहार में ज़रूरत क्या है? बिहार में सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्राइम को कंट्रोल करने की, वो बात आप कर नहीं रहे, तो मुद्दों को भटकाने की आप बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट, हेल्थ का क्या हाल हुआ, उन्होंने कोरोना के टाइम में ये साबित कर दिया। भैया आप तीसरे स्ट्रेन के लिए आपकी तैयारी क्या है, इसकी बात कर लें, ये सवाल पूछें, ये सवाल पूछा जाए आम जनता के द्वारा। इन सब से बचने के लिए इस तरह के बीच बीच में वो बयानबाजी देते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता और नेत्री, कई ऐसे सवाल थे जो हमने इनसे जाने। और भी अपडेट्स देंगे बरेली इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।